70वां गणतंत्र दिवस चंबा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में विधानसभा उपाध्यक्ष ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस परेड में हिमाचल पुलिस के अलावा होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, स्कॉट एंड गाइड की टुकड़ियों ने मार्च पास किया। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा कि मैं चंबा वासियों और प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का दिन हो या 15 अगस्त का दिन हो, ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को हमने आर्थिक सहायता देने की कोशिश की है, वे चाहे पेंशन के रूप में हो। सरकार ने सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लोगों में ये विश्वास कायम हो कि सही सरकार किस तरह से प्रदेश का भला कर सकती है और किस तरह से एक गांव से निकला हुआ व्यक्ति किस तरह से प्रदेश का मुखिया होकर के लोगों को सही सुविधाएं दे सकता है। हम प्रयास कर रहे हैं। गुड़िया हेल्पलाइन, शक्ति बटन ऐप की शुरुआत, पर्यटन, स्वरोजगार, इसमें भी हमारा अच्छा नाम हो, इसके लिए हम भरसक प्रयास हमारी सरकार कर रही है। एक वर्ष के भीतर केंद्र सरकार से हमने पर्यटन, कृषि, सिंचाई, हिमाचल एक्सप्रेस के लिए चंबा से अशोक सूर्यांश की रिपोर्ट।